हाँ? थोड़ी पी लिया करो, अब स्टैंड भी नहीं लग रहा है। हाँ भाई, हेलमेट कहाँ है जनाब का? जय हिंद जनाब। ऊपर से शराब भी पूरी ढक कर पी रखी है। हेलमेट तो सर मैं घर भूल गया। हेलमेट घर भूल सकता है, शराब पीना नहीं भूल सकता। शराब मजबूरी है मैडम। मजबूरी? मजबूरी। ऐसी क्या मजबूरी है तेरी कि तुझे शराब पीनी पड़ी? हवलदार साहब, मेरे पिताजी के लीवर दोनों खराब है। अगर मैं शराब घर पर छोड़ देता तो वो शराब पी जाते और शराब पी के मर जाते। मैडम, मैंने पिता की जान बचाने के लिए शराब पी है। मैडम, भाई मान लिया तूने शराब पी ली, पर भाई फाइन तो लगेगा। जनाब, शराब पीने पर भी फाइन लगता है कभी क्या? अरे शराब तो तूने पी ली, लेकिन हेलमेट तो तुझे लगाना चाहिए था ना सिर पर, वो तो तूने नहीं लगाया, अब उसका फाइन लगेगा। चल निकाल 500 रुपए। 500 रुपए? जनाब वो तो मेरे पास नहीं है। अच्छा 500 रुपए नहीं है जनाब के पास? नहीं। फोन है? हाँ, फोन। चल निकाल जल्दी से। और कहाँ का है तू? ये अपने पास में ही घर है साहब। अच्छा पास में ही है। चल तेरे बाप को फोन मिला, बुला आज उसको यहाँ पे मौके पे। हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ हाँ, आप ना कच्ची गली में आ जाइए, वो जहाँ पे पुल है। हाँ हाँ, आपके बेटे ने कांडी ऐसा करके, जल्दी आइए आप। हवलदार साहब, मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया, प्लीज टेल मी। कांड तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, आने दे तेरे बाप को, बताता हूँ मैं तूने क्या कांड किया है। जनाब वो आ गए मेरे लवली फादर। मैडम जी, क्या कांड किया मेरे बेटे ने? अंकल जी, आपके बेटे ने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। ये लो, फिर शुरू हो गया। मैडम जी, जब से ये जन्म है ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता, अब देखो ना इसने आपका ट्रैफिक रूल तोड़ दिया। ऐसा करो, ये लो 500 रुपए, इसकी फेविकुक लेके आप अपना ट्रैफिक रूल जोड़ लेना। अरे कैसे बाप हो आप, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? आपके बेटे ने कानून तोड़ा है, कानून, और इसका जुर्माना तो इसे भरना ही होगा। जुर्माना? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है इसके लिए, जुर्माना देने के लिए। इसको डाल दो 2-4 महीने के लिए जेल में। अरे कैसे बाप हो आप, बच्चे ने बस रूल ही तो तोड़ा है, इसमें जेल में डालने वाली कौन सी बात है? नहीं मैडम, इस कमीने को सजा मिलनी ही चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप, आपका खुद का बच्चा है ये, शराब भी तो पी है, अब शराब पीने के नाम पर इसको 2-4 महीने जेल में डाल दूं, इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकती मैं। नहीं नहीं मैडम जी, 10-15 पट्टी तो लगा ही दो इसको, ये सुधर जाएगा। कैसे बाप हो आप, बच्चे को भला ऐसे मारते हैं, क्या मारने से ये सुधर जाएगा? मैडम जी एक बात बताओ, बेटा आपका है क्या मेरा? आप ऐसा करो, इसको 15-20 बेल्ट लगा ही दो, ये ऐसे सुधरेगा? ऐसे नहीं मानेगा ये, मैं चला अपने घर। भाई तू जा, तूने ऐसे बाप को संभाल रखा है, तेरा शराब पीना तो क्या जहर पीना भी बनता है, भगवान तेरा भला करे।